हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की नई वैकेंसी बम्पर पदों के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट 42,000 रहेगा। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और भी अलग अलग स्टेट ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप इस पोस्ट से रिलेटेड ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी फॉलो करके आप अपडेट देखते रह सकते हैं। फिलहाल समझ लेते हैं इस पोस्ट की डिटेल को। टोटल 42,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी, जिसको कि दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले फेज में 21,000 पदों के लिए आएगी, फिर दूसरे फेज में आपकी 21,000 जो बचेगा उसके लिए आएगा। फॉर्म फी की बात करें तो फी भी ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इंक्लूडिंग अदर स्टेट 100 रुपीज़ बस फॉर्म का चार्ज लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 to 42, यानी कि 18 वर्ष से 42 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। रही बात की व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सिंपल सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जो भी 10th पास आउट कैंडिडेट होंगे, डजंट मैटर कि 10th में क्या आपका परसेंटेज है, आप इलिजिबल रहोगे, बस 10th पास होने चाहिए। सिलेक्शन की प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेज से गुजरने के बाद ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है। पहले स्टेज पर होता है आपका फिजिकल, फिर आपका होता है रिटन एग्जाम यानी ऑफलाइन पेपर होता है। थर्ड स्टेज पर मेडिकल होगा, फिर आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए बाकी की डिटेल्स हम लोग आगे समझ लेते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी इन डिटेल। देखिए, आपको पहले ही बताया कि एट फर्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो फिजिकल में सबसे पहले हाइट मेजर होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट है, ST कैंडिडेट के लिए 160 यानी 160 है, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है, और ST कैटेगरी के जो फीमेल्स होंगे उनके लिए 147 यानी 147। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल, 78.8 सेंटीमीटर टू 83.8, मतलब कि आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ST कैटेगरी के कैंडिडेट का 76.5 सेंटीमीटर से 81.5 सेंटीमीटर। लास्टली आपका PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें कि रनिंग होती है। तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में कंप्लीट करना होता है, 2.4 किलोमीटर की रनिंग फीमेल्स को 14 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो दिस इज ओवरऑल आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें क्वालिफाई करोगे आप तब आपका क्या होगा, रिटेन यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। चलिए एग्जाम की पैटर्न भी बता देती हूँ। 150 क्वेश्चंस होंगे फॉर 300 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिल रहा है, समय रहेगा 2 घंटे यानी 2 आवर्स का। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो GK के 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के लिए, जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के लिए। तो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्वालिफाई करोगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइन करा दिया जाएगा, और आपको UP में एज अ होम गार्ड जॉब करने का मौका मिलेगा, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, और सैलरी इसके लिए शुरुआत में 25,000 से 28,000 मिलती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो कोशिश ये करें कि 42,000 में से एक सीट आप अचीव कर पाए। अब रही बात कि अप्लाई कब तक होगा। देखिए, फॉर्म इसका निकल जाएगा आपका जुलाई के लास्ट से लेके अगस्त के मिड वीक तक, और जो सेकेंड फेज का आएगा ना, वो आपका दिसंबर तक आ जाएगा। तो एग्जाम भी आपका जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। तैयारी अपनी अच्छी रखिए। होम गार्ड के अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी अभी आ रही है, जो कि बम्पर पदों के ऊपर आएगी। सबकी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। आई होप इस पोस्ट की जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।